अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कल रात ही सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। आज जेल भेज दिया गया है और ईडी को उसके ठिकानों पर रेड में 2 करोड़ से ज्यादा नकदी मिले थे, जबकि साथ ही साथ निवेश और जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगे थे। तो आप देखिए किस तरह से अवैध रेत खनन पर ईडी का बड़ा एक्शन बिहार में, और लालू के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से बालू का खेल चल रहा था, खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, किस तरह से आप देखिए कि सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? शिवांगी, ये जो सुभाष यादव हैं, ये बालू के बहुत बड़े यहाँ पर माफिया कहे जाते हैं, और गांसम कंपनी है इनकी, और कल सुबह से ही ईडी इनके 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, और देर शाम तक 2 करोड़ रुपए इनके आवास से नगद बरामद हुए और कई डॉक्यूमेंट बरामद हुए। उसके बाद इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और देर रात ही इनको जज के सामने में पेश किया गया और बेउर जेल इनको न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेउर जेल भेज दिया गया है। और ये सुभाष जो यादव है, इनके 6 ठिकानों पर हम ये छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि मलेशिया देवी अपार्टमेंट में भी छापेमारी हुई थी। ये मलेशिया देवी अपार्टमेंट जो है लालू यादव की मां के नाम पर बना हुआ है, और उसमें जो 3 फ्लैट है वो देने के जो आरोप है वो लालू यादव को देने के आरोप है इन पर लगे हुए हैं। और इन सब मामलों को देखते हुए जो डॉक्यूमेंट उनके पास मिले हैं, इसमें कई राजनेताओं के साथ जो इनके संपर्क हैं उसकी भी सूची ईडी को मिल गई है। साथ में ईडी को जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था डिफरेंट जगहों पर और मनी लॉन्ड्रिंग किया था, उसके भी डॉक्यूमेंट मिले हैं, और इसको लेकर के ही ये गिरफ्तारी की गई है। और ये सेटबैक है लालू यादव के लिए, क्योंकि इससे 1 दिन पहले ही लालू यादव से एक और करीबी की यहाँ छापेमारी हुई थी इनकम टैक्स की, और उसके बाद ये सुभाष यादव की यहाँ हुई है। और समझ लीजिए, बिल्कुल प्रशांत, और देखिए चुनाव करीब है, लगातार लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी ये आरोप लगाएगी कि चुनाव की वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ईडी ने अब सबूत जुटाने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।